अभी हम निकले हैं आगरा के मार्केट की तरफ, थोड़ा सा मार्केट देखेंगे और यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है थोड़ा सा देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाते जाएंगे। यह है आगरा का फतेहबाद रोड। इस रास्ते में काफ़ी सारे होटल्स हैं, एक छोड़ने के बाद और एक होटल मिलता है, ऐसा करके लाइन में है बहुत सारे होटल्स। ये है द सॉल्ट कैफ़े, इट्स वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट इन आगरा। यहाँ के खाना बहुत ही लजीज है। अच्छा, ये सामने है द ताज व्यू, दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ताज ग्रुप्स, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है, सो दे हैव ओपन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ताज वेयर वी आर पुटिंग अप। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे होटल्स भी है, 3-star है, 2-star भी, काफ़ी सारे होटल्स हैं एक ही लाइन में। तो आप लोग अगर कभी बुकिंग्स भी नहीं करेंगे तो यहाँ पे आके भी आप लोगों को आराम से होटल मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा सर्वे किया था आगरा के शॉपिंग के बारे में कि क्या क्या फेमस है यहाँ पे। तो पहला तो है यहाँ का लेदर, जो कि आगरा का बहुत ही फेमस है, और दूसरा है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा ज्वेलरीज भी है, और आखिरी में जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है वो है पेठा। तो आज मैं ले चलती हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। आज इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। तो हम आज आए हैं इंडिया लेदर हाउस में, और ये है मिस्टर शुभम, जो कि हमें थोड़ा सा इनके दुकान के बारे में हमें बताएंगे। वी स्टार्टेड अराउंड 94-95 एंड माय फादर स्टार्टेड द बिजनेस, सो सिंस देन वी आर इनटू दिस लेदर बिजनेस ओनली। दिस ओवर हियर यू कैन सी द हैंडबैग्स दैट वी मेक, फॉर मेनी डिजाइनर ब्रांड्स आल्सो, वी मेक जैकेट्स, वी मेक लैपटॉप बैग्स, स्लिंग बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, व्हाटएवर यू कैन थिंक इन लेदर। एंड I guess this is the only place in Agra where you can get everything in leather. Other than this, more shops are selling like Rexin, PU and all those kind of things. So this is the only shop I can vouch jo Agra mein sirf leather sell. What type of prices hai aur kaisa? Ma'am, as you know, leather is not that cheap. Theek hai, aap Rexin wagera se to compare kar nahi sakte hain. So something like this, ye goat hide mein bana hai. Okay. And this would This would be around 3600. Okay, this is about 3600. Yeah. आपने मुझे बताया कि designer bags के type में आप लोग बनाते हैं। Brands के लिए है। अच्छा, brands के लिए। हाँ, brands जो export होते हैं, it's not कि हम directly बनाते हैं। We have many associate factories या फिर जो भी हमारे साथ के हैं, because हमारे यहाँ पे footfall बहुत होता है, foreigners वगैरह सब designers सब यहाँ पे आते हैं, and then queries आती हैं, तो फिर हम उसको forward कर देते हैं। And we supervise the production and everything. Oh. So it's not कि सारी हमारी capacity में बन रहा है, बाकी जगहों से भी बनता है, but वो हमारे through जाता है। Okay. हाँ. So like इस type के bags हैं, something like this, ये 4000 की range में हैं. So अलग अलग bags अलग अलग range में होते हैं, अलग अलग qualities होती हैं leather की। Yes. Can I just see this? This one. 4400 है इंडिया में विच आर ऑपरेटिंग इन दिस स्पेस, उसमें मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर नॉन लेदर, दे आर सेलिंग नॉन लेदर, जैसे लेवी हो गया, वो सब नॉन लेदर के। हाँ, हाइट जाइन है, डा मिलानो है, और कुछ नए नए ब्रांड्स अभी पॉप अप कर रहे हैं, वो ही सिर्फ लेदर सेल करते हैं। तो अगर उनकी प्राइसिंग कंपेयर करें तो दे आर सेलिंग लाइक 5,500-6,000 से उनके बैग स्टार्ट होते हैं, दैट टू आफ्टर डिस्काउंट्स, और वो भी इस वजह से बिकॉज अभी एक दो साल में रिटेल मॉडल गॉट हिट बिकॉज ऑफ कोविड, देयर वाज नो फुटफॉल, तो सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, एंड ऑनलाइन में क्या होता है, जो आपके रिटेल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कम हो जाता है, तो दे हैव compensated those expenses into discounts. Okay. So that's why कि उस वजह से थोड़ा सा और competitive हो गया है अभी market. The ranges of the jackets are like they range from around 7,500 to 10,000-12,000. So you make only men's jacket? Men's है, women भी है, women other है.
यहाँ पे लगी हुई, 2000 रुपये मिल जाते। ये हमारा एक बेसिक डिज़ाइन है जो हम बनाते हैं। सो बेसिक का ही मैं पूछ लेती हूँ, इसका जैसे कितना कॉस्टिंग आ जाएगा? उसका 5.5 से 6 हज़ार के रेंज का रहता है। सो आप मुझे स्लिम बैग्स का भी एक जस्ट आइडिया दीजिए कि जैसे स्लिम बैग्स होते हैं ये सब। हाँ मैम, इसमें भी जब सब तरीके की क्वालिटी होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल आर्टिसंस हमारे बनाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री मेड होती है, बहुत सारी ब्रांडेड होता है, तो जो लोकल जो बनता है वो ज़्यादातर सस्ता ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग सोचते हैं कि लेफ्ट ओवर लेदर्स और जो होता है सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ थिंग हो, तो लेफ्ट ओवर्स में बनवा देते हैं। जैसे ये हो गया, तो ये 1600 की रेंज का है, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये फ्रेश में बना हुआ है, तो इसका खुद लेदर अलग से प्रोक्योर हुआ पूरा, मतलब डिज़ाइन वगैरह बना सब चीज़ें, तो ये समथिंग दिस इज़ अराउंड 3800। अलग अलग चीज़ों की प्राइसिंग ऐसे डिसाइड होती है। इस दुकान का नाम है सिल्वर हट। यहाँ मार्बल में काफ़ी सारे सामान मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो मार्बल में ना आगरा में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, लाइट्स बनाई जाती है, जैसे टेबल्स बनाए जाते हैं, तो वो सब भी देखेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट के सामान है वो भी देखेंगे। अच्छा, जब मैं हैंडीक्राफ्ट बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने लास्ट व्लॉग में ना एक स्पेशल व्लॉग बनाया है जिसमें सारा हैंडीक्राफ्ट का एक आइडिया दिया है आगरा का, तो वो व्लॉग भी आप लोग देखिएगा, इसका लिंक मैंने स्क्रीन पे ही शेयर किया है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं यहाँ के ओनर के साथ। ये है मिस्टर मोहम्मद अमीर, जो कि हमें बताएंगे इस दुकान के बारे में। जी मैम, ये आगरा की मैम सुविनियर शॉप है, और ये वही एक ऐसी सुविनियर शॉप है जहाँ पे आपको आइटम मिल जाएंगे, जैसे कि ताजमहल से रिलेटेड आपको मार्बल के आइटम मिल जाएंगे, यहाँ पे सिल्वर के रिलेटेड जेम्स एंड ज्वेलरी स्टोन्स हैं, और जितनी भी जो सुविनियर के प्रोडक्ट हैं, जो एज अ सुविनियर आप ले जाते हैं यहाँ से, वो सब सुविनियर यहाँ अवेलेबल्स हैं। हमारी दुकान आगरा में सबसे सस्ती दुकान है, उसका रीज़न ये है कि वी आर वो सेल्फ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा जो भी हम चीज़ खरीदते हैं वो अपने कारीगरों से बनवाते हैं, अपने कारीगरों से खरीदते हैं, इसलिए जो हमारी प्राइजेज हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं। हमारे इसके मार्बल और ज्वेलरी के अलावा हमारे पास आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट हैं। ये एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट आगरा के अंदर जरदोजी के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो भी प्रोडक्ट है वो आगरा का एक मशहूर आर्ट है जो कि जिसको चौथी पीढ़ी बना रही है। इसके अलावा हमारे पास ये एपॉक्सी प्रोडक्ट है जो कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ये एपॉक्सी की टेबल्स कस्टम मेड पे बनाते हैं। जैसे जी मैम, कस्टमाइज प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा ये हमारा फैमिली वर्क है, ये हमारा 7वीं पीढ़ी है जो हम काम करते हैं, जो ताजमहल में कारीगर मार्बल के ऊपर इनले वर्क है। हाँ, ये सब सेमी प्रिशियस स्टोन्स हैं जो ताजमहल में इस्तेमाल हुए हैं 400 साल पहले। ये काम बहुत अलग अलग देशों से लोग आए थे ताजमहल पे करके गए थे, और उसी की एक जनरेशन टू जनरेशन काम चल रहा है। इसके अलावा ये 3 तरीके के मार्बल होते हैं, जैसे वाइट मार्बल है, ग्रीन मार्बल है, ब्लैक मार्बल है। ये हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है, वाइट मार्बल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ब्लैक एंड ग्रीन सेकेंड एंड थर्ड उसमें आता है। वाइट इज़ द बेस्ट, एंड वाइट मार्बल की एक खासियत और है कि ये मार्बल ट्रांसलूसेंट होता है, वाइल द ग्रीन एंड द ब्लैक आर ओपेक। इसमें आप यू कैन फिक्स द लाइट ऑल्सो, जब आप इसमें लाइट लगाएंगे तो यू कैन सी देर इज अ नाइट लैम्प ऑल्सो इन साइड, सो वंस यू सी दिस इन अ डार्क रूम यू विल सी दिस अ लाइट ग्लो, and once the light glow you can use this as a night lamp also. ये night में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इसमें आप 3 तरीके की लाइट देख सकते हैं, सनराइज, सनसेट, मूनलाइट और नेचुरल लाइट। ये हमारा हॉट केक प्रोडक्ट है जी। इसका प्राइस डिपेंड करता है मैम नंबर ऑफ द स्टोन्स के ऊपर, साइज डज नॉट मेक एनी डिफरेंट। दिस टेबल कुड बी अ 10,000 रुपीज ऑल्सो, एंड द सेम साइज टेबल कुड बी अ 80,000 also. It depends how many stones has been used. In a particular piece like this one, there are 2,500 pieces. So that would be costing around 50,000 rupees. 20 rupees per piece ka ek stone ka approximately hamari selling cost hai. Aur baki depend karta hai quality aur number of the stones ke upar. Ek apprentices work hota hai aur ek teacher work hota hai.
अप्रेंटिसेस वर्क होता है 10 रुपीज पर पीस और टीचर वर्क होता है 20 रुपीज पर पीस। ये ताजमहल के मिनिएचर्स भी देखिए आप, ताजमहल के रेप्लिकास भी हैं। इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आती है 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये। ये चार साइजेस आपके सामने हैं। कल रात को शॉपिंग करते करते काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसीलिए आप लोगों को मैं पेठा का दुकान नहीं दिखा पाई। इसीलिए आज सुबह सवेरे ही आई हूँ पेठा का दुकान दिखाने के लिए। ये एक 100 साल पुरानी बिजनेस है इन लोगों की। मिस्टर विनोद गोयल जो कि यहाँ के ओनर हैं, और ये हमें थोड़ा सा के दुकान के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये तो बहुत काफ़ी पुराना है ना सर जी? एक से 35 वर्ष पुराना। अच्छा, सो इट्स वेरी ओल्ड, सो पीपल विल लाइक टू नो अबाउट द शॉप। सो आप लोग पेठे के बारे में बताइए, क्योंकि आगरा में तो पेठा ही सबसे फेमस है। सबसे बढ़िया चीज़ है, इससे बढ़िया कोई मिठाई नहीं है। अच्छा, ये तो कोई नुकसानदायक नहीं है, केवल डायबिटीज वालों के लिए दिक्कत है, उसमें शुगर होती है वो कम मात्रा में ले, वो भी नुकसानदायक है। शुगर फ्री पेठा भी बनता है। अच्छा, एक्चुअली पेठा किससे बनता है? ये फल आता है, फल कद्दू बोलते हैं जिसको, तो उससे बनता है। आप लोगों का फैक्ट्री कहाँ है यहाँ पे? ये सब इंडस्ट्री एरिया है। आपका सबसे पुराना दुकान कहाँ पे है? जोहरी बाजार। और तो वो कितना पुराना है? वो ही सबसे पुराना वो ही है। कितना साल हो गया? करीब 135 वर्ष पुराना। ये काफ़ी पुरानी दुकान है, करीब 125 ईयर्स पुरानी इन लोगों की बिजनेस है यहाँ पे। और क्योंकि फैक्ट्री थोड़ा दूर है, तो आई थॉट आई जस्ट शो यू द क्या क्या इसके वैरायटी है। और इन लोगों का मेन दुकान 135 जैसे ईयर्स हो गया है, जैसे उन्होंने बताया है। तो ये लोग बेस्ट है यहाँ पे आगरा में बोलने के लिए कि पेठा क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितना वैरायटी का होता है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा भैया, बताइए अभी क्या क्या वैरायटी में है आप लोगों का? ये है सादा सफेद पेठा, ओके। ये जैगरी से होता है, लाल पेठा, ओके। ओके, केसर, अच्छा, इसमें केवड़ा, ओके, अच्छा कोकोनट का, अच्छा ये पान पेठा, ये मेरा बहुत फेमस है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा बिकता है। एक ये चेरी पेठा है, स्मॉल पीस वाला। अच्छा, इसका लाइफ भी अच्छा है, 15 से 20 दिन का लाइफ है इसका। एक ये कोकोनट पेठा है, ये 7 डे चलता है। और एक ये हमारा मैंगो पेठा है, इसमें बीच में खोए की लेयर रहती है। और एक ये गुलाब लड्डू पेठा है, इसमें गुलकंद रहता है पेठे के बीच में, ये मीठा भी कम रहता है। और एक ये चॉकलेट पेठा है, इसमें चॉकलेट का ऊपर लेयर रहता है, नीचे पेठा रहता है। उसके बगल में एक पान सुपारी पेठा है, उसमें सुपारी का फ्लेवर है। और उसके बगल में सैंडविच पेठा है, इसमें काजू की बर्फी रहती है। और एक ये मिक्स वाला डब्बा है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, और रेडीमेड रहती है, एक और वेराइटी मिक्स का है। अच्छा, इसका कितना प्राइस आता है? मैडम 270 का है, और इसका लाइफ 70 का रहता है।